लकम बैक टू माई चैनल इफ़ यूर न्यू माई नेम इज़ बनेश खान सो इन टू डेज वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ नेचुरल ग्लैम मेकअप फॉर बिगनर्स इफ़ यू आर ए बिगनर्स तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है सो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये नेचुरल ग्लैम मेकअप किस तरह से किया जाए वेरी इजिली तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड की है तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट ओके okay, सुगा गाइस सबसे पहले मैं अपने बालों को पीछे पिनअप कर लूंगी ओके देन आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्यूटीफाइबर आमना की ट्वेंटी के गोल्ड एंड रोजेज़ आईब्रो पेंसिल इन शेड डीप ब्राउन और इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर लूंगी अच्छे से बिल्कुल लाइटली फिल इन कर रही हूँ मैं जैसे नेचुरल आईब्रोज होती हैं यह आईब्रो पेंसिल जो है काफ़ी क्रीमी है और बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाती है डेफिनेटली रिकमेंडेड अगर आप लोगों को एक अच्छी आईब्रो पेंसिल चाहिए तो ये वाली जो आईब्रो पेंसिल है बहुत अच्छी है और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है ओके नेक्स्ट फॉर माय प्राइमर मैं यूज़ कर करी हूँ मेबलिन फिटमी का पोरलेस प्राइमर ये बेसिकली मैट प्राइमर है अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है समर्स में क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो मैट कर देता है ओके सो माय फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इनफेलेबल ट्वेंटी फोर फ्रेश वेयर फाउंडेशन ये फाउंडेशन जो है काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और आपकी स्किन में जो है मेल्ट हो जाता है अच्छा ये जो फाउंडेशन है मीडियम uh, कवरेज है ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है अगर आप लोग मीडियम कवरेज लाइक करते हो तो ये फाउंडेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और अगर आप लोग इसको फुल uh, कवरेज करना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स इसको बिल्डअप कर सकते हो सो so, यहाँ पर मैंने ब्यूटी स्पंज से सारे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन ओके आई शेडो के लिए मैं यूज़ करी मिस रोज़ की न्यूड पैलेट ये जो पैलेट है बिल्कुल हुदा ब्यूटी की जैसी आई शेडोज आई शेडो पैलेट है अच्छा अगर आप लोग रीज़नेबल प्राइस पे हुदा uh, ब्यूटी जैसी आई शेडो पैलेट लेना चाहते हो तो ये वाली पैलेट बेस्ट है अच्छा नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीज में पिंक शेड और uh, ये इस तरह का ब्रश ले रही हूँ फ्लफ़ी ये स्मॉल ब्रश है और बैक एंड फोर्थ मोशन में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीस में और इसको थोड़ा सा ब्राउ बोन की तरफ भी लेकर जा रही हूँ ओके नेक्स्ट शेड के लिए मैं पिक करी हूँ ये वाला शेड और इसको जिस तरह से आई अप्लाई करते हैं उस तरह से मैं विंग्ड ब्रश के साथ विंग बनाऊंगी यहाँ साइड पे अगर आप लोगों को आई लगाना आता है विंग तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और अगर आप लोगों को नहीं लगाना आता तो आप लोग कॉर्नर्स पे जो है वो स्कॉच टेप भी लगा सकते हो ताकि एक नीट लुक आ जाए और स्कॉच टेप लगाने से आप लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा और एक विंग लाइनर भी बन जाएगा ओके okay, नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ ये थोड़ा सा ब्राउन शेड और इसको इसी के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी जिस तरह से मैंने पहले वाला शेड लगाया है अच्छा यार मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शॉर्ट्स में सफोरा की लिपस्टिक की भाई उसमें तो कुछ लोग मेरे पीछे ही पड़ गए अरे भाई गलती हो जाती है और गलती इंसान ही करता है उसमें मैंने शेड्स मेंशन नहीं किए कुछ लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स किए आप लोगों के आपके फेस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें ये नहीं है हमें वो नहीं है तो भाई माफ कर दो ओके okay, जी नेक्स्ट शेड के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये थोड़ा सा वाइटिश शेड और इससे मैं अपने लाइक जो एरिया है क्या कहते हैं इसको आईलेट आईलेट वे अप्लाई कर रही हूँ सो so, कह okay, मैं ये रही थी कि माफ़ कर देते हैं कभी गलती हो जाती है और गलती इंसानों से ही होती है उसमें मैंने लिपस्टिक के शेड्स मेंशन नहीं किए ये मेरी गलती है आई नो ना दिल पे नहीं लेते होते हम लोग भी इंसान हैं जो ब्लॉगर्स होते हैं जो ब्यूटिशन होते हैं वो भी इंसान होते हैं वो भूल जाते हैं कभी कभार कि क्या हमने मेंशन करना था सो so, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मस्कारा और मस्कारा जो है वो है एसेंस कॉस्मेटिक का लैश प्रिंसेस मस्कारा तो आप लोगों को भी देखना चाहिए कि बोलने से पहले हम लोग क्या कह रहे हैं हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट फॉर माय लैशेस मैं यूज करी हूँ ये वाली लैशेज और ये लैशेज जो हैं बहुत ही नेचुरल लगती हैं ये लैशेज जो हैं ये थ्री डी लैशेज हैं और ये किसी भी सुपर मार्केट से आप लोगों को मिल जाएंगी ये थ्री का पैक था ओके नेक्स्ट फॉर मै कॉन्टोर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ कॉस्मेटिक का कांटोर एंड ब्लश डुओ और इसमें से मैं कॉन्टोर शेड यूज़ करूँगी अच्छा ये जो कॉन्टोर टेक्निक uh, है अच्छा ये जो ब्रश है मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश ये बेसिकली कॉन्टोरिंग के लिए ही यूज़ होता है आप लोग कोई भी ब्रश ले सकते हो जिससे आप लोगों को इजी लगता है और आप लोग स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को अच्छा ये जो कॉन्टोरिंग है ये कॉन्टोरिंग शेप जो है वो राउंड फेस के लिए बेस्ट रहती है मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह से कॉन्टोरिंग की जा, की जाती है राउंड फेस की इससे जो है स्नैश लुक आती है मतलब आपका फेस जो है वो स्लिम लगता है और आपकी जो है ऐसा लगता है आप लोगों ने फेस सर्जरी कराई है और अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली आप लोग ब्रॉन्जिंग कर सकते हो ये जो मैं नेक पे लगा रही हूँ इस शेप में यहाँ से आप लोगों की जो डबल चिन होती है वो हाइड हो जाती है ना इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर से और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपवर्ड मोशन में अच्छा वन कमेंट इज़ लाइक के आपने रॉन्ग करियर चूज़ किया है भाई एक लिपस्टिक ना बताने की वजह से मैंने रॉन्ग करियर चूज़ कर लिया वेरी नाइस अच्छा ब्लेंडिंग के बाद आप लोगों को लगेगा कि अभी ये सारा जो है वो बिल्कुल अजीब लग रहा है लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब मैं पाउडर करूँगी और कंसीलर अप्लाई करूँगी ओके okay, नोज कॉन्टॉर के लिए मैंने एक फ्लैट स्मॉल सा ब्रश लिया है और इस तरह से मैं पैड पैट करके नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन ना हिले अपनी जगह से और इसको भी आप लोगों ने जो है वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है अच्छे से ओके देन नाउ फॉर कंसीलर मैं यूज़ करी हूँ फिटमी का कंसीलर इन शेड टू ट्वेंटी और ये जो कंसीलर है काफ़ी अच्छा कंसीलर है बहुत अच्छे से मेल्टन हो जाता है आपकी स्किन में और आपकी जो डार्क सर्कल हैं उसको कवर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर है बिल्कुल भी आप लोगों को ड्राई नहीं करता आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता ओके okay, नेक्स्ट आप इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ और ये ब्लेंडर जो है वो ब्यूटी फैबा आमना का है ओके नेक्स्ट फॉर माय पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ बेटी फाबा आमना का ही रेडियंट पाउडर और इससे मैं अपनी जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैंने पाउडर करना है लाइक अंडर आइज़ में नोज़ एरिया पे और जहाँ पर पोर्स हैं वहाँ पर मैंने पाउडर कर लिया है नेक्स्ट मैं ये ग्लैमरस फेस की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैंने ये पिंकिश बहुत ही प्यारा बारबी पिंक शेड लिया है ऑन का और इसको अप्लाई कर रही करी हूं अपने चीक बोन्स पे और मैं हाई लाइटर में यूज़ करी फोकलर का स्कल्प एंड ग्लो हाइलाइटर और इसको मैं फ़ैन ब्रश की मदद से अपनी चीक बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ हाइस्ट पॉइंट जो होता है वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी इसको यू कैन टोटली स्किप दिस पार्ट अगर आप लोगों को ग्लो हाईलाइट की अच्छी नहीं लगती तो आप लोग स्किप कर सकते हो अच्छा यहाँ पर मैंने जिस ब्रश से मैंने आई शेडो अप्लाई किए थे वही ब्रश ले रही हूँ और इसमें फोकलर की पैलेट में जो ब्रॉन्जर शेड है उसको थोड़ा सा लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ नेक्स्ट मैं यूज़ रही हूँ नीक्स की लिप पेंसिल और इसका जो शेड है वो है सकूड़ा स्प्रिंग और इससे मैं अपनी लिप लाइन कर रही हूँ नेक्स्ट फॉर माय लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ममूसो की लिप पेंसिल और ये जो शेड है मेरे पास ये है नंबर ज़ीरो फ़ोर एन ज़ीरो फ़ोर ओके ये लिपस्टिक शेड जो है मेरा फेवरेट है बहुत ही प्यारा पिंक है और ये जो है ममूसो जो कोरियन ब्रांड है या आई थिंक चाइनीज़ ब्रांड है उसका है सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक होप यू गाइज लाइक इट अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है ये मेकअप लुक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आप लोगों ने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों ने ताकि मैं और वीडियो इस तरह की लेकर आती रहूँ सो आई एल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय